हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बेसन के पापड़ या चने के आटे की पापड़ी बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें आप एक बार बनाकर साल भर तक आराम से खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप बेसन या 2 कप चने की दाल का आटा, 1 कप उड़द दाल का आटा, 1 टीस्पून सज्जी का फूल। कुछ लोग इसे पापड़ खार या सज्जी खार के नाम से भी जानते हैं। पापड़ खार एक तरह का मसाला है जिसे हम पापड़ बनाने और खीचू बनाने में यूज़ करते हैं। पापड़ में पापड़ खार डालने से पापड़ तलते समय कुरकुरे बनते हैं और पापड़ खार डालने से पापड़ की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काला नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हींग, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च और नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा तैयार करेंगे। आटा हमें पूड़ी के आटे से भी सख्त लगाना है, तो आटे में हम पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। आटा हमने लगा लिया है और आटा हमने बिल्कुल सख्त लगाया है। अब हम आटे को आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद आटे को अब हम प्लेटफॉर्म पर निकालेंगे और आटे पर 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे और अब हम आटे को कूटेंगे। आटे को कूटने के लिए मैंने इलायची कूटने वाली मूसली ली है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पापड़ बना रहे हैं और आपके पास घर पर सिल्ला बत्ता है तो आप उस पर आटे को अच्छे से कूट सकते हैं। आटे को कूटने से आटा चिकना हो जाएगा और पापड़ बिना फटे आसानी से बनेंगे। लगभग 8 से 10 मिनट हमने आटे को कूट लिया है और आटा अच्छे से चिकना हो गया है। अब हम आटे से एक रोल तैयार करेंगे। अब हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर देंगे और अब हम इससे छोटी छोटी लोई काट कर तैयार करेंगे। लोई हमें पूड़ी की लोई से भी छोटी छोटी बनानी है। सारी लोई हमने काट ली है। अब हम लोई को हथेली से दबाकर गोल कर लेंगे। तो सारी लोई बनकर तैयार है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और सारी लोई पर अच्छे से तेल लगा देंगे ताकि लोई सूखेगी नहीं। अब हम इसमें से 1 लोई निकालेंगे और बाकी की लोई को ढककर रखेंगे। अब हम पापड़ बनाएंगे। पापड़ को बेलने के लिए आप लकड़ी का पट्टा या चकले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अभी हम इसे प्लेटफॉर्म पर ही बेलेंगे। पापड़ को बेलने के लिए हमें पतले वाले बेलन का यूज़ करना है। पूड़ी के बराबर बेलने के बाद अब हम इसे अलग रखेंगे और अब हम दूसरी लोई लेंगे और अब हम इसे बेलेंगे। पहले हमें 4 से 5 लोई को पूड़ी के साइज जितना बेलकर अलग रखना है। हल्का सा ये सूख जाएंगे उसके बाद हम इसे बड़ा करेंगे। 4 पापड़ को हमने पूड़ी के साइज़ का बेल लिया है। अब जो पापड़ हमने पहले बेला था उसे हम बड़ा करेंगे। धीरे धीरे साइड के कॉर्नर को बेलते हुए पापड़ को बड़ा करेंगे। पापड़ को हमें जोर लगाते हुए नहीं बेलना है, नहीं तो पापड़ फट जाएंगे, क्योंकि पापड़ को हमें बिल्कुल पतला बनाना है। तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि पापड़ हमारा बनकर तैयार है और पापड़ हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाया है। इसी प्रकार से हम सारे पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। पापड़ को हम इसी प्रकार से बनाते जाएंगे और किसी भी साफ़ कपड़े पर सूखने के लिए डालते जाएंगे। तो सारे पापड़ हमने इसी प्रकार से बना लिए हैं। अब हम पापड़ को 10 से 15 मिनट के लिए धूप में सुखाएंगे। धूप में सुखाने से पापड़ ख़राब नहीं होंगे। पापड़ पर हमें दोनों साइड से धूप लगानी है। थोड़ी देर बाद पापड़ को पलट देंगे।
दोनों साइड से अच्छे से धूप लगाने के बाद अब हम पापड़ को इकट्ठा करेंगे। पापड़ को आप किसी भी एयरटाइट डब्बे में डालकर एक साल तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम पापड़ को फ्राई करेंगे। पापड़ को दो टुकड़ों में तोड़कर फ्राई करेंगे। आप पापड़ को माइक्रोवेव में या गैस पर भी सेक सकते हैं। पापड़ को हमने फ्राई कर लिया है, अब हम पापड़ को तोड़कर भी देखेंगे। बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी पापड़ बनकर तैयार है। इन्हें आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।